हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, आज का जो ब्लॉग है वो मैंने सोचा है HCL IT City जो है यहाँ पर, जो IT की कंपनी है, उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए जो हाउसिंग सोसाइटी बनाई हुई है वो मैं आप लोग को आज इस ब्लॉग में दिखाऊंगी। और मैं ट्राई करूंगी कि सारा सब कुछ मैं इस ब्लॉग में कवर कर लूँ। तो चलिए चलते हैं, टाइम वेस्ट किए बिना मैं डायरेक्टली वहीं पर चलती हूँ और आपको सोसाइटी दिखाती हूँ, जो बहुत ही खूबसूरत सी सोसाइटी है। चलिए चलते हैं। तो गाइज़, फाइनली हम HCL IT City पहुँच चुके हैं, तो आप देख सकते हैं। और ये जो है ये लखनऊ में सुल्तानपुर रोड पे है। तो अभी हम चलते हैं और जैसे जैसे रास्ते में सारी चीज़ें आती रहेंगी मैं आपको बताती रहूँगी। तो ये आप इधर देख रहे होंगे, यहाँ पे ये HCL ऑफिस है जो कि एम्प्लॉयज़ के लिए है, और इसमें हम लोग जैसे लोग नहीं जा सकते हैं। और ये जो है ये HCL ऑफिस जो है वो गेट नंबर 2 पे बना हुआ है। तो अभी हम चलते हैं HCL हाउसिंग की तरफ। तो गाइज, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर जो सुल्तानपुर रोड जो सामने से गई हुई है वहाँ पर भी IT City का बोर्ड लगा हुआ है। तो अभी हम चल रहे हैं हाउसिंग की तरफ। तो यहाँ पर एक पुलिस चौकी भी बनी हुई है, और जो कि HCL के सिक्योरिटी पर्पज़ से है। और साथ ही साथ अब हम चलते हैं गेट नंबर 1 की तरफ, जिधर हमारा HCL हाउसिंग बना हुआ है। तो चलिए चलते हैं। तो गाइस, फाइनली हम गेट नंबर 1 के पास आ गए हैं, जहाँ पे HCL का हाउसिंग सोसाइटी है। और ये यहाँ की सिक्योरिटी है, यहाँ पे हम एंट्री करने के बाद ही अंदर जा सकते हैं। और जैसे ही हम कैंपस के अंदर आते हैं तो आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल, कितना खूबसूरत सा ग्रीनरी है। तो बहुत ही प्यारा बना हुआ है ये HCL का, ये हाउसिंग सोसाइटी का कैंपस, सॉरी कैंपस, तो बहुत ही प्यारा है। तो जैसे जैसे चीज़ें हमारे पास आती जाएंगी मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी, इट मीन्स कि मैं आपको अपडेट करती रहूंगी। और ये है यहाँ का फैमिली बाज़ार, जहाँ पे सारा ग्रॉसरी का सामान आपको मिलता है। और ये काफ़ी बड़ा है, यहाँ पे सारी चीज़ें मिल ही जाती हैं। तो ये भी है HCL के कैंपस के अंदर ही। तो गाइस, अभी जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे हैं, तो ये जो बिल्डिंग है ये है HCL हेल्थ केयर। तो मैं आपको वो भी दिखाती हूँ पास से। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे एम्बुलेंस खड़ी है। तो ये सारी फैसिलिटीज कैंपस के अंदर ही हैं। और साथ ही साथ में कैंपस के ही अंदर आपको यहाँ पर बैंक का एटीएम भी मिलेगा, जहाँ से आप पैसे निकाल सकते हो। और साथ ही साथ में यहाँ पे कैफेटेरिया भी है। तो मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ कि वो किस टाइप से दिखता है। तो चलिए चलते हैं। तो गाइस, फाइनली आप देख सकते हो कि कैफेटेरिया अंदर से किस टाइप से दिखता है। तो यहाँ पर 400 से 500 तक यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट है, यहाँ पे आराम से आप बैठ सकते हो और जो भी चाहे आप वहाँ पे खा सकते हो। और बहुत ही कूल और बहुत ही नीट एंड क्लीन दिख रहा था। और साथ ही साथ में यहाँ पे खाना खाने के बाद में आप यहाँ पे जा सकते हैं, अपने यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर भी है, नॉर्मल वाटर, कूल वाटर, वार्म वाटर, सारा यहाँ पे था। और फाइनली अब हम आ चुके हैं अपने हाउसिंग। तो ये जो है यहाँ पे सेकंड सिक्योरिटी गेट है यहाँ पे, अभी हम यहाँ से अंदर एंटर करेंगे। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे सारे सिक्योरिटी गार्ड थे यहाँ पे। और साथ ही साथ में ये आप देख सकते हो ये बेसमेंट पार्किंग है। और मेरे राइट हैंड साइड में अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये यहाँ पे राइट हैंड साइड पे यहाँ पे विजिटर पार्किंग भी है। तो जो भी आपके पास जो भी गेस्ट आते हैं आपके यहाँ, तो उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, वो आराम से अपना पार्किंग में अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं अंदर की तरफ।
और आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितना क्लीनिंग है और कितना ग्रीनरी है। और अभी इधर इस साइड जो मेरे साथ ही साथ में यहाँ पे अभी कुछ टावर्स जो हैं कंस्ट्रक्शन पॉइंट पे हैं। यहाँ पे 2 से 3 टावर अभी रेडी करके वो एम्प्लॉयज़ को दे चुके हैं, बट अभी बाकी जितने भी टावर्स हैं वो कंस्ट्रक्शन पॉइंट पे हैं। तो अभी मैं आपको जो रेडी हो चुका है वो वहाँ पे लेके चलती हूँ और मैं अंदर से दिखाती हूँ कि ये कैसा दिखता है। तो गाइस ये अपार्टमेंट के अंदर जाने का एंट्री गेट है, यहाँ पर भी सिक्योरिटी है, यहाँ पर भी वो एंटर कराते हैं जो भी जिस फ्लैट में जाना चाहता है, तो आपको एंट्री करके ही जाना होगा। अब ये अंदर की तरफ, यहाँ पे मैंने बताया ना अभी भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो कहीं कहीं फ्लैट में कुछ जो प्रॉब्लम आ रही है वहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो मैं भी लिफ्ट से आप लोग को ऊपर लेके। और अब हम लिफ्ट के अंदर से हम लोग ऊपर वाले फ्लैट में चलते हैं और आप देख सकते हो कि यहाँ का जो लिफ्ट है वो भी काफ़ी स्पेसियस है। तो अभी हम चलते हैं फ्लैट की तरफ। ये यहाँ पे कॉरिडोर है, कॉरिडोर से अब हम अंदर एंटर करते हैं। तो ये है फ्लैट, ये 2 BHK फ्लैट है। तो इसमें जो SCL की तरफ से जो भी इसमें फर्नीचर दिए गए हैं वो आप देख सकते हो। तो इसमें एक डाइनिंग टेबल है और साथ में सोफ़ा है, साइड टेबल है, और ये रूम है जिसमें 2 डबल बेड हैं, साइड टेबल है, और भी बहुत ही खूबसूरत सी इसमें बालकनी दी गई है। तो आपको मैं वो भी दिखाती हूँ, ये बहुत ही प्यारा बालकनी है यहाँ पर। इसमें दोनों रूम से अटैच्ड आपको बालकनी मिलती है और साथ ही साथ हॉल से भी। और ये इनका बाथरूम है जो एक बेडरूम मास्टर बेडरूम से अटैच्ड है, और साथ ही साथ में आप देख सकते हो बाथरूम में शावर वगैरह भी लगा हुआ है। तो बहुत ही नीट एंड क्लीन और बहुत ही प्यारा दिख रहा है। साथ ही साथ में ये हॉल से अटैच्ड और एक बेडरूम से अटैच ये टॉयलेट है, और बाथरूम में एक बहुत ही बड़ा सा मिरर लगा हुआ है। तो ये है सेकेंड रूम जिसमें कि साइड सोफ़ा भी लगा हुआ है विंडो के पास, और वार्डरोब भी दिया हुआ है साथ में। आप देख सकते हो इतने सारे फर्नीचर, कॉफ़ी टेबल, साथ ही साथ में आपको डाइनिंग टेबल, सोफ़ा, और मैं आपको किचन में लेके चलती हूँ जो फुली मॉड्यूलर है। तो आप देख सकते हो साथ ही ओरो का पानी भी इसमें मिलता है, तो ओरो पानी भी आपको मिलता है, आपको ऑर्डर लगाने की ज़रूरत नहीं है। साथ में आप ये देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल, इसमें आपको गैस वो भी मिलता है, तो आप देख सकते हो। तो गैस फाइनली हमने इस ब्लॉग में सारा सब कुछ कवर करने का कोशिश किया था SCL हाउसिंग का। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा एंड कमेंट करिएगा, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाय।